हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे चारों फ्रेंड्स के जो सवाल हैं। तो गाइस, आइस स्क्रीम चैप्टर 8 के जो चारों फ्रेंड्स हैं हमारे, चार्ली, जे, माइक, लिज, इन चारों के माइंड में कुछ सवाल हैं रोड की फैक्ट्री से रिलेटेड। एंड इन्हीं सवालों में हमको एक बहुत बड़े हिंट मिलता है आइस स्क्रीम चैप्टर 8 के मेजर अपडेट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे चार्ली के सवाल के बारे में। चार्ली के माइंड में यहाँ पे एक बात चल रही है, डज एनीवन नो वॉट अ नन विद अ जायंट स्लेज हैमर इज डूइंग रनिंग अराउंड। तो यहाँ पे चार्ली का सवाल है कि ये एक नन एक खतरनाक से हथौड़े के साथ यहाँ पे क्यों घूम रही है। भाई, इसका मतलब ये है कि इन चारों फ्रेंड्स को अभी तक रॉड की जो पूरी बैक स्टोरी है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं जाना रॉड के बारे में एंड ईवलन के बारे में। ये लोग सिर्फ खुद को ही आज़ाद कराने के लिए यहाँ पे अब चीज़ें कर रहे थे। ये चार्ली के इस थॉट से हमें बहुत बड़ा हिंट मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे लिज पूछती है, तो यहाँ पे लिज पूछती है, आई थिंक आई हर्ड हर से फ्रॉम हियर दैट शी इज लुकिंग फॉर हर सन, डज दैट मेक एनी सेंस। यहाँ पे लिज ने ईवलन को यानी सिस्टर मेडलाइन को बोलते हुए सुना है कि वो अपने बच्चे को यहाँ पे ढूंढ रही है, अपने सन को यहाँ पे ढूंढ रही है। इसका मतलब इसको अलीसा के बारे में, अलीसा के सोल के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। ये सब कुछ ये लोग जानेंगे इस नए अपडेट में। एंड यहाँ पे अगला थॉट हमें माइक से सुनने को मिलता है। माइक यहाँ पे बोलता है, डू यू सी रॉड एज केपेबल ऑफ इन्वेंटिंग एंड डिजाइनिंग ऑल दिस, यानी ये जितनी भी मशीन है, जितना भी ये चीजें फैक्ट्री में बनी हुई है, क्या रॉड ये सब बना सकता है? ये एक सवाल है माइक के मन में। तो भाई, इससे ये भी हमें हिंट मिलता है कि शायद माइक का जो सवाल है वो सही है एंड रॉड की जगह ये सब इन्वेंशन किसी और ने करी हो। मे बी रॉड के साथ कोई ऐसा साथी हो उसका जो रॉड की ये सब चीज करने में मदद कर रहा है एंड वो अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है। तो अगला सवाल यहाँ पे लिज का होता है। एक बार फिर से लिज बोलती है, रॉड इज सपोज टू हैव टेकन ओवर जोसेफ्स वर्क इन दिस फैक्ट्री, सो इट हैड टू बी हिम। तो लिज की बात से लगता है यहाँ पे, जो कि लिज कह रही है, रॉड इज सपोज टू हैव टेक ओवर जोसेफ्स वर्क इन दिस फैक्ट्री, सो इट हैड टू बी हिम। मतलब ये पूरा जो वर्क है ये जोसेफ सोलोमन का है, रॉड का नहीं है। तो यस, ये भी हो सकता है कि जोसेफ सोलोमन के टाइम की ये सारी फैक्ट्री की चीज़ें हैं, सारे ये आइटम्स हैं, ये सब इन्वेंशन जोसेफ सोलोमन की है। लेकिन भाई, यहाँ पे एक इन्वेंशन तो खुद रॉड ने भी करी थी ना, वो वैन के ऊपर वाली जो कि टूट गई थी एंड टाइम पे। तो हाँ, लिज ने भी यहाँ पे एकदम सही बात कही है कि ये सब जोसेफ सोलोमन का है। एंड अगला सवाल हमें जे के मुँह से सुनने को मिलता है यहाँ पे। देखो भाई, जब जे का नाम आता है तो ऐसा लगता है ना कि जे कितनी समझदारी वाली बात करेगा, जैसे हम इस फैक्ट्री से कैसे निकलें, हम उन बच्चों को कैसे बचाएं, वो नन यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन नहीं, जे के माइंड में यहाँ पे क्या सवाल है बताए। जे यहाँ पे पूछ रहा है, माइक, नाउ दैट लिज इज नॉट हेयर, व्हेन आर यू गोइंग टू टॉक टू हर ? भाई देख रहे हो, इसको बाकी किसी चीज की चिंता नहीं है, इसे बस ये चिंता है कि माइक लिज से कब बात करेगा। भाई ये वही बात हो रही है परफ्यूम वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारा माइक जवाब देता है, आई ट्राइड अ लिटिल वाइल एगो एंड वी अग्री टू टॉक लेटर, शी शुड हैव रीड द नोट आई रोट हर इन द परफ्यूम। भाई ये परफ्यूम वाले नोट की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने देखा था माइक ने फेंक के मारा था। लेकिन भाई वो तो परफ्यूम की पूरी बोतल गटर में चली गई थी, तो आई थिंक इसे पता नहीं है कि वो नहीं पढ़ पाई लिज। एनीवेज, यहाँ पे गाइस यही बातें हुई हैं इन चारों फ्रेंड्स के बीच में एंड इन चारों फ्रेंड्स की इन बातों से ये क्लियर है कि इन लोगों को अभी रॉड की फैक्ट्री के काफ़ी सारे राज जानने बाकी हैं। इन लोगों के माइंड में काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि इनको जवाब चाहिए, जैसे कि जोसेफ सोलोमन कौन था, जोसेफ सोलोमन की ये फैक्ट्री कब से चालू हुई एंड यहाँ पे ये ईवलन क्या कर रही है, रॉड आखिर ये सब क्यों कर रहा है एंड वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है जिससे रॉड सब बच्चों को चवी बना देता है, एंड और भी किड्स यहाँ पे आखिर कहाँ पर ट्रैप्ड हैं, एंड अलीसा कौन है। भाई ये सब सवालों के जवाब इन बच्चों को चाहिए, जो कि हमें देखने को मिलेंगे आइस स्क्रीम चैप्टर 8 के मेजर अपडेट में। एंड ये मेजर अपडेट भाई बहुत ही जल्दी आने वाला है, जिस बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इन चारों फ्रेंड्स के थॉट्स पे, कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड चलो एक सवाल भी ले ही लेता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आज हर वीडियो में मैंने एक सवाल लेने का ऐसा प्लान बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का सवाल है यहाँ पर किसका है, चंद्रिका गया दीक्षित, नहीं चंदू जैन का यहाँ पर सवाल है। भाई मैं अभी एक चीज़ सोची कि आइस स्क्रीम 8 में क्या क्या आएगा, जैसे कि एक्सट्रैक्शन रूम में कौन जाएगा, एक्सट्रैक्शन रूम में लिज जाएगी एंड जी हो सकता है वो घर पर हो, क्योंकि शायद वो कुछ प्लानिंग कर रहा है
या फिर वो पुलिस स्टेशन में गया होगा, एंड माइक भी ऐसा कुछ प्लान कर रहा होगा कि रोड की फैक्ट्री को बम से उड़ा देंगे। भाई ये सारी मेरी ही थ्योरी है भाई, सेम तो लिख दिया मैं, सब बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड चार्ली वैन को रिपेयर कर रहा हो, क्योंकि आइसक्रीम 8 की जब एंडिंग हुई थी तो वैन टूट गई थी। देखो इसका जवाब मैं दे देता हूँ, पहली लाइन यस, एक्सट्रैक्शन रूम के अंदर कौन जाएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद चारों फ्रेंड्स एक साथ भी जा सकते हैं या फिर कोई दो फ्रेंड भी जा सकते हैं। एंड सेकंड, भाई मैं काफ़ी बार बता ही चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को कि हो सकता है जे अपने नेबरहुड में हो या फिर वो पुलिस स्टेशन में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जे भी इन लोगों के संग आए भाई फैक्ट्री में। जैसा कि वो पता है माइक चीज़ें इन्वेंट करता है, जैसे वो इलेक्ट्रिक गन भी माइक ने इन्वेंट करी थी, उसी तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है माइक कुछ तो बनाएगा खतरनाक सा रोबोट को डिफीट करने के लिए। एंड चार्ली, हाँ भाई चार्ली भी यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैन हम फिर से रिपेयर करेंगे, क्योंकि वैन भाई एक बार टूट चुकी है एंड वो काफ़ी दूर जाके टूटी है। तो सवाल ये है कि क्या ये लोग वहाँ पर सामान लेके जाएंगे, इनको वहाँ पे कहाँ से क्या आइटम मिलेगा वैन को रिपेयर करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या तो ये लोग एक न्यू व्हीकल बनाएंगे या फिर ये किसी नए ही जगह से एस्केप करेंगे, मे बी फैक्ट्री के रूफ टॉप से ये लोग एस्केप करें, भाई हो सकता है ऐसा। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आज का सवाल भी हो गया, चलो बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।